हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड पावर मेड इजी सीरीज की, वर्ड पावर मेड इजी बुक की जो डिक्शनरी है उस सीरीज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड वीडियो इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय मी अमन त्रिवेदी। सो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अन एकेडमी। अगर आपने अन एकेडमी सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। AMANT ये मेरा रेफरल कोड है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने पर आप किसी भी टाइम का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट इसमें मिलेगा ही मिलेगा। तो आप इसको जरूर से इस्तेमाल कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए। देखते हैं कौन कौन से बैचेस हमारे अनअकैडमी पर हमें मिलेंगे। तो जैसे टीम फोनिक्स बैच है जो कि 26 मई से शुरू हो रहा है, साथ ही साथ आपका टीम फोनिक्स के अलावा भी कई सारे बैचेस हैं, जैसे सीटी ब्रह्मास्त्र बैच है आपका, संकल्प 1000 प्लस सिलेक्शन बैच है, सफलता बैच है आपका, इसके अलावा SSC एम मल्टीटास्किंग एग्जाम्स के लिए बैच है, स्टेनोग्राफर के लिए बैच है, SSC CPO के लिए अलग से बैच है, AIM SSC GD कांस्टेबल के लिए बैच है, आखिरी पड़ाव CGL 2020 का एक रिवीजन करना है तो उसके लिए भी आपका बैच है। इन सारे बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो SSC के सारे बैचेस, सारे टीचर्स, सारी क्लासेस, सारी PDF, सारे क्वेश्चन सब कुछ देख सकते हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं तो आपको साथ ही साथ CHSL के सारे पेपर्स मिलेंगे, उनका डिटेल सॉल्यूशन, एक्सपर्ट क्लासेस, आपको बूस्टर क्लासेस, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा अभी ऑफर चल रहा है, 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो इसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा अन अकेडमी पर आपके SSC कॉम्बैट कंडक्ट कराया जाता है जो कि दोपहर 12 बजे संडे को होता है। इसमें एनरोल करने के लिए आप AMANT इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। एनरोल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें अगर आप रैंक लाते हैं तो आपको फ्री अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन भी मिल सकता है। इसके अलावा मेरी 2 क्लासेस होती हैं अन अकेडमी पर डेली, एक 1 PM पर और एक 5 PM पर, दोनों में आप फ्री में एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस के लिंक अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप टेलीग्राम पर जाइए और वहां पर आपको डेली क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको लिंक कमेंट सेक्शन के में पिन मिल जाएगा। और इसको आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके @AmanTrivedi सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा, इसको जरूर से ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं @AmanTrivedi, IIIND में है ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम पे, आप वहां पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे भी मेरी क्लासेस, वहां पे आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं बेसिकली। साथ ही साथ अगर व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो 8299117042 आपको स्क्रॉल में नीचे नंबर मिल रहा होगा, वहां पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। शुरू करते हैं आज की डिक्शनरी जिसमें हमारा पहला शब्द है कोरोलरी। आज के जितने शब्द हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अच्छे शब्द हैं, थोड़े से अलग हैं लीक से लेकिन सारे एग्जाम में पूछे जा चुके शब्द हैं तो इंपॉर्टेंट हैं। कोरोलरी क्या होता है? कोरोलरी का मतलब हो जाता है अ सिचुएशन और एन आर्ग्यूमेंट और अ फैक्ट दैट इज नेचुरल एंड डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अनदर वन। यानी कि कोई फैक्ट, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो कि किसी दूसरे स्टेटमेंट या किसी दूसरे फैक्ट का रिजल्ट हो उसे हम कोरोलरी कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर मैथ, बैकवॉश हो जाएगा, चाइल्ड नहीं, कंक्लूजन हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, इफेक्ट, फेट, फ्रूट, आपका इशू, आउटकम एंड आउटग्रो। एंटोनिम हो जाएगा एंटीसीडेंट, कॉजेशन, कॉज, ओकेजन, रीजन। एग्जाम्पल देखिए, इन रूरल एरियाज द कोरोलरी ऑफ इंक्रीज्ड कार ओनरशिप हैज बीन अ रैपिड डिक्लाइन इन द प्रोविजन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो रूरल एरियाज में जैसे जैसे कार ओनर्स बढ़ते जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो इस्तेमाल है वो कम होता जा रहा है। तो इसको और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, जैसे साइंटिस्ट्स फर्स्ट फॉर्मुलेटेड द आइडिया दैट विटामिन सी बूस्ट्स आर इम्यूनिटी, द कोरोलरी ऑफ दिस वॉज डिमांड ऑफ लेमन्स इंक्रीज्ड इन द मार्केट। यानी कि साइंटिस्ट वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि नींबू खाओ उससे कोरोना नहीं होगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, यानी कि विटामिन सी खाइए, नींबू खाइए, तो उससे क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि मार्केट में नींबू जो है वो 10 का 1 बिकने लगा। तो कोरोलरी मतलब द रिजल्ट ऑफ समथिंग, समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका कोरोबोरेट। कोरोबोरेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मैं आपको दोस्तों एक बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ, ये सारे के सारे शब्द आपके एग्जाम में आए हुए हैं। कोरोबोरेट क्या है? कोरोबोरेट आपका वर्ब है, मतलब क्या हो जाता है? To provide evidence or information that supports a statement or theory। यानी कि कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा वक्तव्य
जो किसी स्टेटमेंट किसी थ्योरी को सपोर्ट करता हो, उसे समर्थन देता हो, उसे कहते हैं कोरोबोरेट। जैसे आपसे कोई पूछे ना कि आपके पास सबूत क्या है, तो आपके पास अगर कोई सबूत है तो आप कहोगे दिस कोरोबोरेट्स दिस फैक्ट, यानी कि ये बात इसको कोरोबोरेट करती है। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सिनोनिम हो जाएंगे आर्ग्यू करना, अटेस्ट करना, ऑथेंटिकेट, बियर आउट, सर्टिफाई, कंफर्म, सब्सटेंशिएट, सपोर्ट, वैलिडेट, वेरीफाई, विंडिकेट। और एंटोनिम हो जाएंगे डिस्प्रूव, रिबट एंड रिफ्यूट। रिसेंट रिसर्च सीम्स टू कोरोबोरेट हिज थ्योरी। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे खान सर, खान सर का जो नया वीडियो आया है दैट कोरोबोरेट्स द फैक्ट दैट ही इज नॉट अमित सिंह, तो खान सर का जो नया वीडियो है वो इस बात को सपोर्ट करता है कि उनका नाम अमित सिंह तो एटलीस्ट नहीं है, उसके अलावा जो भी हो। तो खान सर न्यू वीडियो कोरोबोरेट्स, यानी कि सपोर्ट करता है, समर्थन देता है, दैट इज कॉल्ड कोरोबोरेट। अगला टर्म क्या है? अगला टर्म होता है हमारा कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब हो गया कंटेनिंग पीपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स और फॉर्म, डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चर। जैसे कि फेसबुक हैज अ कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर या ट्विटर हैज अ कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फेयर, यानी कि फेसबुक हुआ या ट्विटर हुआ, वहां पे दुनिया भर के लोग कनेक्टेड हैं आपस में, दुनिया भर के लोग एक जगह पर कनेक्टेड हैं, तो उसे कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि कोई ऐसा कल्चर जहां पे ऐसे लोग जगह जहां पे सभी कल्चर्स के सभी जगहों के लोग इकट्ठा हुए हैं, तो दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। ये एडजेक्टिव के सेंस में मैंने आपको बताया। अगर यही टर्म नाउन के सेंस में आएगा तो ऐसे आएगा एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया भर भ्रमण कर चुका है, दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं छूटा जो उसने घूमा ना हो, तो उसे कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड, यानी कि पूरे विश्व संसार को, पूरे विश्व को अपना घर मानता है वो, यानी वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा पे चलता है, उसे कहेंगे कॉस्मोपॉलिटन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम 2500 बार आया होगा एसएससी में। अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? स्मार्ट है, सोफिस्टिकेटेड, वर्ल्डली, वर्ल्डली वाइज। एंटोनिम हो जाएगा गाइडलेस, इनजेन्युअस, इनोसेंट, नाइव, अनसोफिस्टिकेटेड, अनट्यूटर्ड, अनवर्ल्डली, वाइड आइड। द क्लब हैज अ कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फियर। तो क्लब हैज अ कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फियर, इसका मतलब क्या हो जाता है आपका कि क्लब का जो एटमॉस्फियर है वो कैसा है? कॉस्मोपॉलिटन एटमॉस्फियर है, यानी कि क्लब में हर तरीके के लोग हैं, चारों तरफ के, पूरी दुनिया के अलग अलग कल्चर के अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड आपका कॉस्मोपॉलिटन। अगला टर्म हमारा क्या है आपका? काउंटेनेंस। काउंटेनेंस का मतलब क्या होता है? काउंटेनेंस एक्सप्रेशन का सिनोनिम है। ठीक है, काउंटेनेंस एक्सप्रेशन को आपको जहां बोलना हो, अगर आपको थोड़ी सी बढ़िया अंग्रेजी बता दिखानी हो अपनी, तो आप क्या बोलेंगे? काउंटेनेंस। ठीक, क्या बोलेंगे? काउंटेनेंस। इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर एक्सप्रेशन। तो अगर आपका आगे से कोई आपको बोले कि कैसे एक्सप्रेशंस दे रहे हो, तो आपको अगर बेहतरीन शशि थरूर जैसा दिखना है तो आप क्या बोलोगे? कैसे काउंटेनेंस दे रहे हो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका दूसरा मीनिंग भी समझ लो, क्योंकि एक तो नाउन हो गया, क्योंकि इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलोगे तो पलट के उसने पूछ दिया तो अब तब क्या बताओगे, और कहेगा हमने तो कुछ और पढ़ा था। तो वर्ब के सेंस में इसका मीनिंग होता है टू सपोर्ट समथिंग और एग्री टू समथिंग, किसी चीज को सपोर्ट करना या किसी से सहमत होना। फॉर एग्जाम्पल सिनोनिम हो जाएंगे कास्ट, एक्सप्रेशन, फेस, लुक, विसाज, कंसेंट टू, वर्ब वाले के लिए सिनोनिम है। सो हर काउंटेनेंस इज लाइक द फ्लावर्स एंड द मून, यानी कि उसके जो एक्सप्रेशन है वो फ्लावर्स और मून की तरह है। ठीक है, अब जैसे इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर से क्या पता लगता है कि आदमी बहुत परेशान है, स्ट्रेस्ड है, चिड़चिड़ा है और सर दर्द कर रहा है उसका। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यू कैन टेल फ्रॉम हिज काउंटेनेंस, एक्सप्रेशन नहीं, काउंटेनेंस, यू कैन टेल फ्रॉम हिज काउंटेनेंस दैट He is very much stressed and disgusted. यानी कि उसके एक्सप्रेशन से आप ये कंफर्म कर सकते हो कि आदमी काफी ज्यादा परेशान है और काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड है। तो एक्सप्रेशन की जगह पे आप क्या कह सकते हैं? काउंटेनेंस। इस टर्म को याद रखिएगा, आगे से जहां भी एक्सप्रेशन की जरूरत हो आप काउंटेनेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, आपको ये मीनिंग भी याद रहेगा और आपकी वोकैबुलरी भी रिच होगी। दूसरा, रिच होगी मतलब बेहतर होगी। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो, क्योंकि मीनिंग दो बताए मैंने। द कमिटी रिफ्यूज्ड टू काउंटेनेंस हिज प्रपोजल। The committee refused to countenance his proposal. मतलब committee ने उसके proposal को पे agree होने से मना कर दिया, यानी कि एक तरीके से reject कर दिया। तो अब देखो दूसरा meaning भी आपको समझ में आ गया, दोनों ही meaning आपको पता है, अब आप दोनों ही answer बना सकते हैं। ठीक, अगले question पर आ जाते हैं। अगला question भी बहुत important है, आए दिन अखबार में आता रहता है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, कहीं ना कहीं ये लोग कुछ ना कुछ कांड होता रहता है। तो अगला टर्म है लिखते हैं कूप, पढ़ते हैं कू।
क्या पढ़ेंगे, कोयल क्या करती है, कू, तो कूप नहीं कू, ठीक है। और इसको ये क्या है आपका, एक लैटिन टर्म है, तो कूडिटाट, कूडिटाट, कूडिटाट आपका ये टर्म है, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में आप ये कू ही इस्तेमाल होता है, कूडिटाट नहीं होता है इस्तेमाल, कू ही होता है ज्यादातर। मतलब हो जाता है जैसे पाकिस्तान में हमारे पड़ोसी देश में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, अभी नहीं मतलब पहले हुआ था जब मुशर्रफ बने थे वहां के प्राइम मिनिस्टर, तो जो सेना है वो अचानक से तख्ता पलट कर देती है, यानी कि सेना जो है वो देश के शासन चलाने लगती है, तो दैट इज कॉल्ड कू डिटाट। अब आप मुझे कमेंट में क्या बताएंगे, मेरा आपसे कमेंट में एक सवाल है, क्योंकि आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि मिलिट्री के द्वारा शासन को हम क्या कहते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड, मिलिट्री के द्वारा शासन जो है उसे हम क्या कहते हैं। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द इट कॉल्ड, अगर मिलिट्री कहीं रूल कर रही है तो उसके लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल होता है, क्रेसी का कौन सा टर्म आता है, बताइए मुझे। हाँ जी, तो कू मतलब क्या हो गया, सडन ओवर चेंज ऑफ गवर्नमेंट दैट इज इलीगल एंड ऑफन वायलेंट, सिनोनिम्स के अकम्प्लिशमेंट अचीवमेंट वगैरह हो जाते हैं, एक्वायरमेंट अटेनमेंट बेबी सक्सेस ट्रम्प हो जाएगा, एंटोनिम नॉन अचीवमेंट रहता है। The government announced it has preempted a coup attempt. यानी कि government ने announce किया कि coup का attempt होने जा रहा था, सेना के द्वारा तख्ता पलटने की कोशिश हो रही थी, जिसे सरकार ने preempt कर दिया, यानी कि पहले ही खत्म कर दिया, ठीक है। अब हाल में ही हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में ही हुआ था, अभी पिछले वर्ष की ही बात है, कुछ सितंबर अक्टूबर की बात है, जब वहां पे coup हो रहा था, countenance नहीं, इसको आप ऊपर से वो से इनको इग्नोर कर दीजिएगा, Coup is that, जैसे यहाँ लिखा ना, we don't accept military coup, क्योंकि वहाँ military ने अचानक से तख्ता पलट कर दिया। अगला टर्म भी इंपॉर्टेंट है और ये काफी पॉपुलर है, covenant, क्या लिखा है, covenant, covenant is a noun, मतलब हो जाता है किसी को प्रॉमिस करना कि आप इतने रुपए उसको देंगे, जैसे मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता, तो counter covenant भी कह सकते हैं उसको, तो a promise to somebody or a legal agreement, especially one to pay a regular amount of money to somebody or something, जो रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी किसी को दिया जाता है अपने इसका एग्रीमेंट जो है, दैट इज कॉल्ड आपका कोवेनेंट। सिनोनिम इसके लिए अकॉर्ड आ जाएगा, अलायंस आ जाएगा, कॉम्पैक्ट, कॉन्वेंशन, पैक्ट या फिर ट्रीटी। एग्जांपल हो जाएगा, इफ यू मेक रेगुलर गिफ्ट्स थ्रू अ कोवेनेंट, यानी कि अगर आप एग्रीमेंट के थ्रू रेगुलर गिफ्ट्स दोगे ना, वी कैन रिक्लेम द इनकम टैक्स विच यू हैव ऑलरेडी पेड ऑन द On this money, यानी कि अगर आप एक proper channel के through आप अगर अगर आप किसी को gift देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे income tax जो है वो वापस ले सकते हैं जो आपने pay किया है, ठीक है, noun हो जाएगा covenant। अगला term हो जाता है हमारा covert, covert is also important, covert adjective है, बहुत famous है, बहुत बार exam में आया है, meaning हो जाता है secret or hidden, making it difficult to notice, यानी कि बहुत ही चोरी छुपे से कुछ करना, गुप्त तरीके से करना, दैट इज कॉल्ड आपका कोवर्ट, ठीक है, चोरी छुपे या फिर गुप्त तरीके से कुछ करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कोवर्ट, ठीक। सिनोनिम आ जाएगा क्लस्टर्ड, हिडन, आइसोलेटेड, क्वाइट, रिमोट, रिटायर्ड, शेड्यूल्ड, सीक्रेट, शेल्टर्ड, और फॉर एग्जाम्पल ही स्टोल अ कोवर्ट ग्लांस एट हर अक्रॉस द टेबल, यानी कि उसने चोरी से धीरे से उसकी एक नजर ली, दैट इज कॉल्ड आपका कोवर्ट, ठीक। अगला देखिए क्या है आपका कोवर्ट, तो कोवर्ट के लिए एग्जांपल आप इसे ध्यान रख सकते हैं कि भारत ने जब पोखरण में न्यूक्लियर जो हमारा टेस्ट था वो जब किया था, दैट वाज अ कोवर्ट ऑपरेशन, वो एक गुप्त ऑपरेशन था, कोवर्ट ऑपरेशन था, बिना किसी के जानकारी के, किसी को नहीं मालूम था, और भारत ने उसे अंजाम दिया, दैट इज कॉल्ड कोवर्ट। सॉरी कुछ ज्यादा ही खराश है। अगला है कोविड, कोविड का मतलब हो जाता है टू वांट समथिंग वेरी मच, स्पेशली समथिंग दैट बिलोंग्स टू समबडी एल्स, ऐसा होता ही है, जो चीज तुम्हारी ना हो वो तुम्हें बहुत चाहिए होती है, मतलब कुछ ऐसी की कामना करना जो तुम्हारा नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा चाहना जो आपका नहीं है, उसके लिए बहुत ज्यादा इच्छा करना, क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, क्या कहलाता है आपका कोविड, ठीक है, मीनिंग हो गया पाइन फॉर, यानी किसी की इच्छा करना, पाइन फॉर, सेलिब्रेट, साय फॉर, थर्स्ट, वांट, विश, यर्न और यन, ठीक। नेवर कोवेट वेल्थ एंड पार, पार और वेल्थ के लिए कभी भी बहुत इच्छा मत करिए, ठीक है,
तो आपको ये पिक्चर देख के अंदाजा लगा सकते हो, कोवर्ट नहीं कोवेट होगा, ठीक है, कोवर्ट नहीं, ऊपर ऑपरेटिव वो गलत है, कोवेट कर लीजिए इसको। कोवेट मतलब आप इसमें समझ लो क्या मीनिंग में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम उसको पाने की इच्छा रखते हो, दैट इज कॉल्ड कोविट। ठीक, अगला टर्म है आपका, समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर करना और कमेंट में बताना। क्रेडुलस, OUS किसी में भी लगेगा तो वो हमेशा एडजेक्टिव बनेगा। तो क्रेडुलस का क्रेड क्या होता है, क्रेड का एड बहुत आता है, तो क्रेड मतलब होता है आपका विश्वास, तो क्रेडुलस मतलब हो गया टू रेडी टू बिलीव थिंग्स एंड देयर फॉर इजी टू ट्रिक, बहुत ही भोला भाला कान का कच्चा व्यक्ति जिसको जो बता दो वो मान लेता है, तो उसे कहते हैं क्रेडुलस पर्सन, बहुत ही भोला भाला व्यक्ति जो बहुत आसानी से लोगों की बात पे बिलीव कर लेता हो, भरोसा कर लेता हो, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। सो क्रेडुलस पीपल आर इजिली मिसलेड बाई फॉल्स एडवर्टीजमेंट, फॉल्स गलत एडवर्टीजमेंट से बहुत ही जल्दी मिसलेड हो जाते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स बड़े क्रेडुलस हैं, या फैमिली ग्रुप्स में हमारे चाचा फूफा जो हैं ये सब बड़े क्रेडुलस हैं कि कोई भी फेक मैसेज आए वो फटाक से उसको भेज देते हैं ग्रुप में कि ये देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, 5G से कोरोना हो रहा है, या आज 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 रात से सरकार तुम्हारे सारे व्हाट्सएप मैसेज पढ़ेगी, तो इस तरीके के फेक न्यूज़ फैला, तो दे आर वेरी क्रेडुलस, बड़े भोले भाले, आसानी से उन्हें सच मान लेते हैं वो, एडवर्ब हो जाएगा क्रेडुलसली। अब जैसे कि ये भाई साहब, ये भी काफी क्रेडुलस हैं, इनको आप नहीं जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जान लो ये आपके पाकिस्तान के कोई चौधरी फवाद सिंह हैं, तो इनको किसी ने मैसेज किया कि भारत का चंद्रयान का मिशन क्या, मेरे पास एक बहुत बढ़िया टेक्निक है हम उनको बताएं, तो उनके साथ एक छोटा सा मजाक हुआ, तो ये बड़े क्रेडुलस निकले, यानी कि उन्होंने इस बात पे बड़ी आसानी से भरोसा कर लिया। ठीक है, चलिए अगला टर्म हो जाता है हमारा, अगला टर्म हमारा होता है क्राइटेरियन। ध्यान रखिए क्राइटेरियन जो है ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, जो कि हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर हम लोग कौन सा टर्म इस्तेमाल, क्राइटेरिया, कि क्राइटेरिया अलग होना चाहिए, तो क्राइटेरिया जो होता है वो आपका प्लूरल है और क्राइटेरियन सिंगुलर है, तो क्राइटेरिया मतलब हो जाता है किसी का स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल जिसके थ्रू आप चीजों को जज करते हैं, डिसीजन करते हैं, उसे कहते हैं, तो बार, बैरोमीटर, बेंचमार्क, गोल्ड स्टैंडर्ड, ग्रेड, मार्क, मेजर, मेट्रिक, पार, स्टैंडर्ड, टच स्टोन, यार्ड स्टिक, ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एकेडमिक एबिलिटी इज नॉट द सोल क्राइटेरियन फॉर एडमिशन टू द कॉलेज, सिर्फ एकेडमिक एबिलिटी से ही आपके कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। अगला है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब होता है आपका कि विद अ मीनिंग दैट इज हिडन और नॉट इजिली अंडरस्टूड, तो क्रिप्टिक मीनिंग यानी कि शी सेड टू मी दिस विद अ क्रिप्टिक मीनिंग, यानी कि एक हिडन अर्थ था जो कि आप उसे आसानी से समझ नहीं सकते, तो उसे कहते हैं क्रिप्टिक, मतलब एक छुपा हुआ अर्थ होना। सिनोनिम हो जाएगा आर्केन, डीप, एनिगमेटिक, इम्पेनिट्रेबल, इंस्ट्रक्टेबल, इंस्क्रुटेबल, मिस्टीरियस, मिस्टिक, ऑकल्ट, अनकैनी। आई रिसीव अ क्रिप्टिक मैसेज थ्रू द पोस्ट, यानी पोस्ट से मुझे क्रिप्टिक मैसेज आया जिसका मैं अर्थ नहीं समझ पाया, वो कुछ और कहना चाह रहा है, कोडेड था। ठीक है, तो जैसे व्हाट्सएप है हमारी चैट को क्या करता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन का दावा करता है। एनक्रिप्शन क्या हो जाएगा, TION लग गया तो नाउन, क्रिप्टिक में ईएन लगाया तो वर्ब हो गया, एनक्रिप्ट कर दिया, यानी कि उसे कोडेड, हम जो मैसेज भेजते हैं वो एक कोडेड लैंग्वेज में ज्यादा कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो दूसरे पर आपके फिर वो डिकोड होता है, फिर उसको मिलता है, तो बीच में अगर कोई भी उस मैसेज को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसे एनक्रिप्टेड मिलेगा, यानी कि उसे पढ़ नहीं पाएगा, वो किसी अन्य लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, समझ गए, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टिक। अगला टर्म है कलिनरी। कलिनरी इज अ वेरी कॉमन टर्म, एडजेक्टिव है, मतलब होता है कुकिंग, कलिनरी स्किल्स मतलब कुकिंग स्किल्स, तो कुकिंग से रिलेटेड है कलिनरी, कलिनरी वीडियोस मतलब कुकिंग वीडियोस, कलिनरी कलिनरी स्किल्स मतलब कुकिंग स्किल्स। ठीक है, शी वॉज कीन टू एक्वायर मोर एडवांस्ड कलिनरी स्किल्स, यानी कुकिंग स्किल्स सीखना चाहती थी। अगला टर्म हमारा है कल्मिनेट। कल्मिनेट होना, कल्मिनेट होने का मतलब होता है टू एंड विद अ पर्टिकुलर रिजल्ट और एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी किसी एक तरीके से एंड होना, इज कॉल्ड कल्मिनेट। सिनोनिम हो जाएगा कैप ऑफ, क्लाइमैक्स, क्राउन। देयर समर टूर विल कल्मिनेट एट अ स्पेक्टेकुलर कॉन्सर्ट इन लंदन, यानी कि उनका जो समर टूर है वो खत्म होगा लंदन में एक बहुत ही बेहतरीन इस कॉन्सर्ट के थ्रू, स्पेक्टेकुलर मतलब बेहतरीन। तो कल्मिनेट को इसको पढ़ सकते हैं, अ स्कफल विच कल्मिनेटेड इन द डेथ ऑफ अदर रेसलर, तो सुशील कुमार अभी जो क्या कहते हैं आरोपी हैं आपके ये हत्या के आरोप में, तो इनकी जब दूसरे रेसलर से लड़ाई हुई तो दैट कल्मिनेटेड इन टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ठीक है, दूसरा इनका दोस्त था या जो भी था उसकी हत्या का आरोप है इनके ऊपर, तो दैट फाइट कल्मिनेटेड इन द
डेथ ऑफ दैट पर्सन, तो वो एंड हुई इन द डेथ ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। अगला टर्म है आपका कल्पेबल। कल्पेबल का मतलब हो जाता है रिस्पॉन्सिबल एंड डिजर्विंग ब्लेम फॉर हैविंग डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि आपने कुछ गलत किया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कल्पेबल हैं, उसे कहते हैं कल्पेबल, ठीक है। कल्प्रिट मतलब जो आरोपी है, कौन कल्प्रिट कौन है इस केस में, मतलब आरोपी, और कल्पेबल मतलब जिस पे आरोप लगाया जाना चाहिए, तो ब्लेमेबल, ब्लेमवर्दी, सेंसरेबल, रिप्रेहेंसिबल, रिप्रोचेबल, एंटोनिम हो जाएगा ब्लेमलेस, फॉल्टलेस, इम्पेकेबल, इररिप्रोचेबल। सो द एक्सीडेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ अ कल्पेबल फेलियर टू कंसिडर द रिस्क इन्वॉल्व्ड, ठीक है। एडवर्ब हो जाएगा कल्पेबली। अगला टर्म हो जाता है कर्सरी। तो कर्सरी का मतलब हो जाता है जैसे कि मान लीजिए ये एक किताब है, मान लीजिए ये किताब है और इसको हम एक कर्सरी ग्लांस से पढ़ते हैं, इसको फटाफट फटाफट ऐसे 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 जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, सो दिस विल बी कॉल्ड कर्सरी ग्लांस। जैसे कर्सर चलता है ना माउस का, जैसे अगर आप इस जैसे कर्सर को देखें तो ये जल्दी जल्दी चलता है अगर हम इसको चलाएं, तो कर्सरी ग्लांस लेना मतलब किसी की बहुत सरसरी निगाह से देखना, दैट इज कॉल्ड कर्सरी ग्लांस, ठीक है। और बर्ड्स आई व्यू क्या होता है, ऊपर से देखना, बर्ड्स आई व्यू, क्योंकि बर्ड ऊपर से देखती है। सो ड्राइव बाय, फ्लाइंग हेस्टी, हेडलॉन्ग, हेल्टर स्केल्टर, हरीड, ओवर हेस्टी, एंटोनिम हो जाएगा डेलिब्रेट, अनहरीड, अनरस्ट। फॉर एग्जाम्पल ही गेव द रिपोर्टर अ रादर कर्सरी लुक, यानी कि रादर कर्सरी लुक दिया उसने रिपोर्टर को। एडवर्ब हो जाएगा कर्सरली, ठीक है। अगला टर्म हो जाता है कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज को लिमिट करना या सीमित करना। सो टू लिमिट समथिंग और मेक इट लास्ट फॉर अ शॉर्टर टाइम, उसे कम समय के लिए सीमित कर देना, क्या कहता है, कर्टेल करना। सिनोनिम हो जाएंगे एब्रीविएट, अब्रिज, कट बैक, डॉक, एलियाइट, शॉर्टन, सिंकोपैक्ट, सिंकोपेट, ट्रंकेट, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा एलोंगेट, एक्सटेंड, लेंथन, प्रोलॉन्ग, प्रोट्रैक्ट। वी मस्ट ट्राई टू कटेल आर कर्टेल आर स्पेंडिंग, यानी हमें अपने खर्चों में कटौती करनी चाहिए। सो इसको आप इससे समझ सकते हैं कि कर्टेल योर एक्सपेंसेस, अदरवाइज जीतू भैया विल से, अरे भाई साहब खर्चे हो रहे हैं, तो कर्टेल मतलब हो गया खर्चों में कटौती करना, ठीक है। चलिए अगला टर्म हमारा हो जाता है सिनिक। सिनिक बड़ा अच्छा शब्द है। सिनिक मतलब हो गया कि जिसे हमेशा शक रहता है, मतलब हर चीज को लेके वो संदेह में रहता है, उसे कहेंगे सिनिक। अब क्या है, इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है कि ए पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स टू हेल्प देमसेल्व्स रादर देन फॉर गुड और सिंसियर रीजंस, यानी कि कहने का मतलब, मान लीजिए मैंने किसी दोस्त को कॉल नहीं किया, अगर मान लो मैंने उसको कॉल किया उसका हालचाल जानने के लिए, अब वो सोच रहे हैं कि अगर अमन का कॉल आ रहा है तो कुछ तो कारण होगा, ऐसा तो नहीं पैसा मांगने वाला हो, तो ये क्या हुआ, ये उसका सिनिक एटीट्यूड है, इसे सिनिक एटीट्यूड कहेंगे कि यार मतलब ऐसा तो नहीं कुछ काम है इस वजह से ये मुझे कॉल कर रहा है, तो उसे कहते हैं सिनिक। मतलब आपके घर पे कोई आया जरूर कुछ मांगने ही आया होगा, तो वो सिनिक एटीट्यूड है कि आपको लगता है कि हर आदमी कुछ भी कर रहा है तो अपने फायदे के लिए कर रहा है। जैसे अभी मान लीजिए कुमार विश्वास जी ने क्या किया, कोरोना के लिए काफी ज्यादा सेंटर्स खोले, गांव-गांव में सेंटर खोले जहां पे कोरोना का इलाज वो करवाने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर्स की मदद से। तो अब क्या है कि काफी लोगों का कहना क्या होगा कि कुमार विश्वास जरूर जो है चुनाव लड़ने वाले हैं, तो हम अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये हमारा सिनिक एटीट्यूड है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई भी काम अगर कुछ भी कर रहा है तो जरूर वो अपने फायदे के लिए कर रहा है, इसे कहते हैं सिनिक एटीट्यूड। ये क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। सिनोनिम हो जाएगा मिसैंथ्रोप, नेसेयर, पेसिमिस्ट, और आई एम टू मच ऑफ अ सिनिक टू बिलीव दैट ही विल कीप हिज प्रॉमिस, यानी कि मैं काफी ज्यादा सिनिक साउंड करूंगा अगर मैं कहूं कि वो अपने प्रॉमिस पे टिका रहेगा, ठीक है। सो कॉल मी सिनिक बट आई डोंट बिलीव हिम, मुझे आप सिनिक भले कहो कि मैं आप बिल्कुल ही मतलब निगेटिव आदमी हो और शक कर रहे हो, लेकिन मैं उसकी बात पे भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए हो तो आप AMANT कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा 8299117042 है, आप इससे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी चैनल पर जल्द ही आपको एक MEA गाय जो MEO में ASO की पोस्ट पर पोस्टेड हैं इराक में, आपको उनका जल्दी ही इंटरव्यू मिलेगा। आपको मैं संडे तक वो इंटरव्यू जल्दी से अवेलेबल कराता हूँ, और पुराने इंटरव्यू आ चुके हैं आपके, साक्षी जैन जो एक्साइज के इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हैं उनका इंटरव्यू है। जाइए उस वीडियो को देखिए अगर नहीं देखा है अभी तक, और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए थोड़ा सा, जिससे कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ रियली गुड डे अहेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।